हाय गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आपने पिछले ब्लॉग में अभी तक देखा होगा कि हम साबरमती आश्रम आए हुए हैं घूमने के लिए, या उससे आगे का ब्लॉग है। अभी हम फिलहाल साबरमती आश्रम के म्यूजियम में हैं। यहाँ पे आपको गांधी जी संबंधित बहुत से यादें आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज लेटर, फोटोग्राफ्स और न्यूज़पेपर, बहुत कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा उस ज़माने की। यह एक डेमो है जो दांडी यात्रा की है। इधर आपको कस्तूरबा गांधी जी से संबंधित बहुत सी यादें देखने को मिलेंगे। उनके फोटोग्राफ्स और लेटर वगैरह यहाँ पर हैं। यह एक छोटा सा स्टैचू है जो कि कस्तूरबा गांधी जी का है, जो कि काफ़ी प्यारा है। इधर भी आपको बहुत से लेटर्स, न्यूज़पेपर्स देखने को मिलेगा उस ज़माने की। यहाँ पर बहुत से ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें गांधी जी ने अपने हाथों से लिखा है। उनकी हैंडराइटिंग कैसी थी यहाँ आके आप देख सकते हैं। यह सारी यादें जो भी हैं और जो भी फोटोग्राफ्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वह सिर्फ साबरमती आश्रम में ही अवेलेबल है। अगर आप इसे और कहीं देखना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। उस ज़माने के ब्रिटिश पुलिस ये विदेशी कपड़ा का जब बहिष्कार किया गया था, उस समय का फोटोग्राफ है। इधर भी आपको बहुत से लेटर, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आइए। ये सत्याग्रह संबंधित न्यूज आपको यहाँ मिल जाएगा। या यंग इंडिया द्वारा छपे न्यूज़पेपर का एक छोटा सा कटिंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको बहुत से परमानेंट विजिटर, जो भी VIP साबरमती आश्रम आए हैं, उनके तस्वीर यहाँ पे लगाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। साबरमती आश्रम घूमने के बाद हम लोग उससे आगे हती श्री जैन टेम्पल चले गए घूमने के लिए। अभी हम लोग हती श्री जैन टेम्पल के कैंपस में हैं। काफ़ी बड़ा कैंपस है हती श्री जैन टेम्पल का। यह एक जैन टेम्पल है। हती श्री जैन टेम्पल का निर्माण 1848 ईस्वी में कराया गया था। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी मंदिर है ये। और जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तब इसकी लागत 8 लाख रुपए आई थी। इस मंदिर में अभी तक कोई कलर का यूज नहीं किया गया है। आप जो यह मंदिर का कलर देख रहे हैं, यह उस पत्थर का है जिस पत्थर से इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और डिटेल वर्क इस मंदिर पर किया गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वर्क किया गया है इस मंदिर पर। इसके एक एक पिलर और दीवार पर इतना अच्छा और बारीक वर्क किया गया है कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। इतना पुराना होने के बावजूद भी इस मंदिर की खूबसूरती में अभी तक कोई कमी नहीं आई है।
जैन टेंपल घूमने के बाद हम लोग उससे आगे कंकड़िया लेक चले गए घूमने के लिए, जो कि वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। यह कंकड़िया लेक का मेन गेट है और यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ एडल्ट का टिकट 10 रुपया और चाइल्ड के लिए 5 रुपया है। तो चलिए हम टिकट लेते हैं। तो यह अभी हम कंकड़िया लेक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने हमें कंकड़िया लेक दिख रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इधर प्रवेश द्वार है, चलिए सबसे पहले हम कंकड़िया लेक देखते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ बोट भी आप चला सकते हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा है। कंकड़िया लेक में ही एक जू है जहाँ हमने बहुत से जानवर को देखा। ये एक हाथी है जिसे बांधा गया है, ये वाइट टाइगर हमने वहाँ पर देखा जो कि देखने में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। ये कंटिन्यू चल ही रहा था और ये देख सकते हैं कितना डेंजरस लग रहा है वाइट टाइगर।